शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शुरू होकर वोटिंग शाम 4 बजे खत्म होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी दलों के बीच सीधी टक्कर है। इस बीच आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस और बीजेपी के लिए यहां पर जीत दर्ज करना साख का सवाल बना हुआ है। शिमला नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर 74 सामान्य मतदान केंद्र, 56 संवेदनशील और 23 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। मतदान सफल बनाने के लिए 700 सिविल, 450 पुलिस कर्मियों के अलावा एचआरटीसी और अन्य विभागों के कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। अति संवेदनशील मतदान केंद्र में एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। टोटल 153 पोलिंग स्टेशंस हैं। 153 पोलिंग स्टेशंस में से 74 नॉर्मल है, 56 संवेदनशील हैं और 23 अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने लगभग 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक पुलिस और एक होमगार्ड का के कांस्टेबल गए हुए हैं। जो संवेदनशील हैं उसमें इन दोनों के अतिरिक्त एक हेड कांस्टेबल को भी नियुक्त किया गया है और जो अति संवेदनशील है इन तीन के ऊपर एक एनजीओ को भी, नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट किया। जिला प्रशासन ने नगर निगम पार्षद निर्वाचन के लिए मतगणना की तैयारी भी पूरी कर ली है। मतगणना 2 स्थानों पर होगी, एक से लेकर 18 दैट इज 18 वार्ड्स प्लस 27 से लेकर 34, मतलब टोटल 26 हो गए। इन वार्ड्स की काउंटिंग बचत भवन में होगी। वार्ड नंबर 19 से लेकर वार्ड नंबर 26 जो 8 वार्ड है इनकी डीसी के कोर्ट रूम में होगी। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी दलों के बीच सीधी टक्कर है। हिमाचल कांग्रेस और बीजेपी के लिए यहां जीत दर्ज करना नाक का सवाल बन गया है। शिमला से ललित शर्मा, जी मीडिया।